और आज इस वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में भी आप सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 60,000 करोड़ रुपए, जैसे मंत्री जी कह रहे थे, पहले रखा था मनरेगा के अंतर्गत, 40,000 करोड़ रुपए और एडिशन कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, और आप गांवों पर फोकस कर रहे हैं। आप आज के संकट के दौर में बहुत बड़ा जरिया लोगों को मदद करने का है, जिसमें डेवलपमेंट के काम भी आप चला सकते हैं, और डेवलपमेंट के काम चलाने के साथ साथ में आपके माध्यम से जो है उनको रोजगार देने की व्यवस्था, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आपके पास फंड्स हैं, बहुत सारे फंड पहले के पड़े हैं, बहुत सारे फंड्स अभी के भी हैं, उन सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने करनी है। इसके लिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम जीत हासिल करेंगे कोरोना पर। अभी हमने तय किया कि 31 तारीख तक जिन जिन लोगों ने अभी हिमाचल प्रदेश में आना, उनका स्वागत है, उनके आए, उसके बाद भी आना जाना तो चलता रहेगा, लेकिन हम बड़ी ट्रांसपोर्टेशन का प्लान नहीं करेंगे, ट्रेन में लाने का ज्यादा नहीं करेंगे, जो लोग आते रहेंगे वो आते रहेंगे। अब हम उसके बाद फोकस करेंगे हिमाचल के अंदर जितने भी हमारे कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं, जिनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है, उनका उपचार ठीक से हो और ताकि वो स्वस्थ होकर के अपने घर चले जाए। वो अगर वो कैरियर है इस वायरस का और आप उन्हें उसके बावजूद जो है आपने जो है घर पहुंचने पर उसके उसका जो है वो गले लगा लिया, प्यार से मिल लिए, सारा ये करने के बाद उसके बाद तो पूरा परिवार तो उसके कॉन्टेक्ट में आ गया उस वायरस की, तो मेहरबानी करके आप 14 दिन का क्वारंटीन पूरा होने के बाद उनको गले मिलिए, उनको प्यार करिए, बहुत अच्छी तरह से करिए, आप उनके साथ पिकनिक मनाइए, आप उनके साथ खाना खाइए, लेकिन कम से कम जब बाहर से आ रहा है तो एकदम जो है फिलहाल परहेज करना है। इस बात को जानकारी देने के लिए आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी पंचायत में कोई आदमी अगर आता है तो उस तक इस बात को लेकर के समझाना है।